ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन ना एकदम ऐसे मजेदार रहेगा, आपको जिस तरह के व्यूज आते हैं बिल्कुल फ्री फ्लोइंग रहेगा, तो आप बिल्कुल भी कॉन्शियस मत होना, विच एवर वे यू वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड। योर इंटरनेट इज ब्रेकिंग ऑफ अ लिटिल, अभी ठीक आ रहा है? देखो हेलो, हिंदी में आप कंफर्टेबल हो ना? जी। सबसे पहला सवाल ये है, अरे बाप रे, ओके, दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट एबल टू पुट दिस इन द राइट वर्ड्स। कोई इमेज आती है, कोई दूसरे शब्द आते हैं, कोई डेफिनेशन आता है। एक लड़का एक लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनइक्वालिटी, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स, होटल्स, रूम्स। आई थिंक एक्सप्रेशन इज जेंडर, समथिंग दैट यू मेक योरसेल्फ। डर, पर्दा, सेक्सुअलिटी इज कनेक्शन, किससे अट्रैक्टेड फील करते हो आप, किसके साथ रहना चाहते हो, हु मेक्स यू फील यू, मर्जी, इच्छा। शादी और यौनिकता से उसका कोई मेल नहीं। आदमी लोग आपको ना भी इच्छा हो, जबरदस्ती वाला आपके साथ वो शारीरिक शोषण कर रहे हैं। Intellectually, I always think of law. I think my right, my life. आप जेंडर को एक कहानी दी जाती है हमारी कंट्री के अंदर, बचपन से कंडीशनिंग के वजह से जो ऊपर से मुझे बोला जाता था उसको सीधे मान लेती थी। औरत आदमी उसमें शक या एम्बिग्युटी देखने का मौका ही हमको नहीं मिला है। इमली को महिला शब्द में रखा जाएगा, जो आम है मर्दान की वाले में रखा जाता है। ऐसे लग रहा है कि जो कमजोर होती है, जो नाजुक चीजें होती है, उनको औरत की कैटेगरी में रख दिया गया है। मेरी मम्मी जब हम पापा के सामने होते हैं या जब भाई के सामने होते हैं तो वो एकदम मतलब कहते हैं ना कि जो आदर्श ब्राह्मण नारी बिल्कुल वो वैसी बिहेव करती हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि अब मेरी मम्मी जो है वो बेवकूफ बना रही है। जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, जिसमें घर पे मुझे पिटना नॉर्मल लगता था और मैं बाहर पीटना नॉर्मल समझती थी। So I used to fight with my mother a lot for not letting me go outside without a dupatta. मेरे पेरेंट्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनको ऐसे बड़ा किया था, उन्होंने थोड़ा अपना टोन डाउन करके हमें बड़ा किया। अपनी जो परिवार है ज्यादातर वो भी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमें और लोग को ढूंढना पड़ता है जिसको हम फैमिली या कम्यून के नाम से हम जानते हैं। There would have been more comfort in feeling ambiguous in the first place. मैंने जो भी decisions लिए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो decision मेरे जाने या ना जाने में वही decisions हैं जो मर्दों से expected होता है हमारी society के अंदर। मैं खुद कमाती हूँ, खुद अपने फैसले लेती हूँ, मुझे किसको पैसा देना है, कितना खर्चा करना है, नहीं करना है, ये मेरा अपना फैसला होता है। तो यहाँ पुरुष और महिला वाला कोई बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ फैसला होता है, एक दुनिया है और जिससे हमें काम करना है और उस काम को कर रहे हैं। You can think of an object aspas that belongs to your mother or father and you have a special or significant memory attached to it. It can be anything. So this is a Polaroid photo of my dad, my mother and myself. This is my mom's. I have my mom's nose. It is a gift from my mother when I settled into this house, and it's broken also. हम लोग डेक्ची बोलते हैं इधर, शादी के समय में घर और बसाने के लिए सबसे पहले माँ बाप लोग हम लोग को सोचते हैं कि मेरी बेटी किससे पानी लाएगी। ये मेरे दादाजी का था एक्चुअली, हैंडहेल्ड प्रेयर व्हील, मेरे मटर्नल ग्रैंडफादर वाज अ टिबेटन। और मैं किस चीज की प्रोडक्ट हूँ, किस हिस्ट्री की प्रोडक्ट हूँ, किस फोर मदर्स की प्रोडक्ट हूँ, मुझे ये याद दिलाता है। 2 साल या 3 साल हो गए जब मैंने फेमिनाइज किया है, तब से मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं ब्यूटीफुल। तो ये फीलिंग अगर बचपन से भी आता होता तो शायद मैं I would have done much better in my life, I feel. मैं अपना अपने एक्सपीरियंस को देखती हूँ कि अकेली औरत काफी स्वतंत्र होती है। It's just unfortunate they look at feminism as a movement for women, but because they look at it that way,
men have just never ever gotten even the memo that patriarchy was is harmful to them as well. ऐसे genitals को arbitrarily divide कर दिया दो categories में, and it's just like हम लोग different nose shape के ऊपर भी divide कर सकते थे. Gender और sexuality को लेकर ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है. तो आपकी जो चाहत है, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो सोच है, आपको लगता था कि वो गलत है, मगर आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग भी ऐसे सोचते हैं, तो आपको लगना लगता है कि लाइक शायद ये भी एक दूसरी नजरिया हो सकता है लाइफ को देखने के लिए, ये भी एक दूसरी तरीका हो सकता है.